पहली वाटर मेट्रो कोची में पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का भी इनॉग्रेशन करेंगे। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 10:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 11 बजे तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में शिलान्यास करेंगे। 3,200 करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। शाम 4 बजे नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। लगभग 4:30 बजे दादरा और नगर हवेली सिलवासा में आधारशिला रखेंगे। 4,850 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। शाम 6 बजे दमन में देखका सी फ्रंट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। लेकिन सबसे खुशी की बात यही कि आज देश की पहली वाटर मेट्रो, जिसका इंतजार सभी को था, उत्साहित हैं इसे लेकर, खासतौर पर वो लोग जो कि पसंद करते हैं मेट्रो में सफर करना, अब लुत्फ उठा सकेंगे पहली वाटर मेट्रो का। देश की पहली वाटर मेट्रो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, इस वाटर मेट्रो में बैठकर आप पानी के बीच मेट्रो में सफर करने का आनंद ले सकते हैं। कर्नाटक में आज और कल बीजेपी का धुआंधार प्रचार। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंक दी। आज गृह मंत्री अमित शाह बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बागलकोट के तेरदाल में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह जो कि कर्नाटक के दौरे पर हैं और लगातार वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कल उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही उत्साह देखते ही वहां बना, बड़ी भीड़ वहां दिखाई दी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव हुई है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी भी पहुंचे और अब अमित शाह जो कि आज भी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। कोशिश यही है कि पार्टी किस तरह से मजबूत हो कर्नाटक में और बड़ा जन समर्थन किस तरह से प्राप्त हो। बीजेपी को कोशिश यही है कि बड़ी जीत वहां हासिल की जाए। की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। ये अमित शाह जिस तरह से लगातार एक के बाद एक रैलियों को संबोधित कर रहा है कर्नाटक में, ये देखिए ये तस्वीरें रोड शो के दौरान की। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां उपस्थित रहे, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए। प्रियंका गांधी आज कर्नाटक के चुनावी रण में। दोपहर 12 बजे टी नरसिंहपुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 3 बजे महिला संवाद करेंगी प्रियंका। गौरीशंकर कन्वेंशन हॉल हनूर में करेंगी महिला संवाद। शाम 5 बजे रोड शो करेंगी प्रियंका। कृष्णा राजनगर में थोपम्मा मंदिर से अंबेडकर स्टैचू तक रोड शो करेंगी। तमाम दिग्गज जो लगातार मैदान में दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी जो कि न सिर्फ अब कर्नाटक के चुनावी रण में है बल्कि याद होगा कि हिमाचल चुनाव में भी प्रियंका गांधी किस तरह से सक्रिय नजर आई थी। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कई रैलियों को भी संबोधित किया था और अब कर्नाटक के चुनावी रण में यही कोशिश है कि प्रियंका गांधी रोड शो जब करें तो वहां अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे।